नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत दिल्ली ने बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत को रद्द नहीं किया है। ये फैसला तेजस्वी यादव के पक्ष में आया है, जहां सीबीआई की विशेष अदालत दिल्ली में एक पिटीशन तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर किया था और उस पिटीशन में ये लिखा गया था कि तेजस्वी यादव अपने ऊपर लगे सारे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और तो और, तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों और उनके परिवार वालों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। विवादित बयान देते हुए उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव से एक तय समय के भीतर संतोषजनक जवाब मांगा था। जवाब इस प्रश्न का कि आखिरकार उनकी जमानत रद्द क्यों ना की जाए। तेजस्वी यादव के वकील की तरफ से इस जवाब को जमा कराया गया, जिसके बाद आज सुनवाई का दिन था। करीब एक घंटे तक राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में यह सुनवाई चली और फैसला तेजस्वी यादव के पक्ष में आया। कोर्ट से निकलते ही तेजस्वी यादव सीधे दिल्ली के आरजेडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को मिठाई बांटी, इस खुशी को मनाया। खुशी इस बात की कि तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है, जहां पर उनकी जमानत रद्द नहीं की गई है, वो जमानत पर बरकरार है। आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है वो IRCTC टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। जो घोटाला साल 2004 से साल 2009 के बीच किया गया था, जिस वक्त UPA 1 की सरकार के भीतर लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे, तब इस घोटाले के अंतर्गत ये बातें कही गई थी कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन लिखवाई है और इसमें तेजस्वी यादव की संलिप्तता भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, गुड़गांव स्थित एक मॉल में भी तेजस्वी यादव के नाम को जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस मॉल में तेजस्वी यादव ने निवेश किया है। जिसके बाद सीबीआई ने गत जुलाई के महीने में पटना स्थित राबड़ी आवास पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कई घंटों तक चली थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पर भी छापेमारी की गई थी, जिसके बाद अगस्त के महीने में तेजस्वी यादव ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर यह कहा था सीबीआई के अधिकारियों को लेकर कि क्या वो हमेशा अधिकारी ही बने रहेंगे, क्या वो कभी रिटायर नहीं करेंगे, क्या उनके घर परिवार नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ सीबीआई के विशेष अदालत दिल्ली में इस पिटीशन को दायर किया था। इतना ही नहीं, आरजेडी पर शिकंजा कसने की सीबीआई की पूरी तैयारी थी, जहां सबसे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले, एक समय में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उनके ओएसडी भोला प्रसाद के ऊपर भी शिकंजा कसा गया था, उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी। और ये तमाम रेड्स के बाद तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों को लेकर ये विवादित बयान दिया था, जिसके बाद नया मामला उजागर हुआ, उनके खिलाफ पिटीशन दायर हुआ और आज सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है। चेतावनी इस बात की कि वो ओपन कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी सार्वजनिक मंच से जनता के समक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका लहजा गलत हो। अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तेजस्वी यादव को आइंदा से कुछ भी सोच समझ कर बोलना होगा। कोर्ट ने साफ साफ तेजस्वी यादव को इस बात की नसीहत दी है कि आप कुछ भी बोलने से पहले बेहतर तरीके से सोच समझ लीजिए, वरना आगे गड़बड़ हो सकती है। कोर्ट की सुनवाई के बाद, फैसला आने के बाद तेजस्वी यादव सीधे आरजेडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस पूरे मामले के बाद राहत की सांस ली और तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर जो खुशी है वो साफ साफ झलक रही है, जहां पर आरजेडी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समर्थकों के साथ मिलकर एक दूसरे को मिठाई बांटकर मिठाई खिलाई और इस बात की खुशी मनाई कि तेजस्वी यादव की जमानत इस पूरे मामले को लेकर बरकरार है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।